नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक संघीय राज्य भी है, और संघीय राज्य में एक इस चीज का हमेशा दुविधा होता ही है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा ठीक प्रकार से हो, उनमें राजस्व का बंटवारा ठीक प्रकार से हो, और इसके लिए संविधान में बकायदे उपबंध भी किया गया है। जैसे अगर भाग 12 में जाकर के देखेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय सामंजस्य है या वित्तीय संबंध के बारे में उसमें बातें कही गई हैं। लेकिन आज की वीडियो में चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि कैग जिसको बोलते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके द्वारा संसद के पटल पर एक रिपोर्ट पेश की गई है, और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी अनियमितताएं, कुछ ऐसी अपारदर्शिता, कुछ ऐसी गलत बातें उजागर हुई हैं जो कि केंद्र सरकार को शायद इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए थे, और राज्यों का जो हक है उसको देना चाहिए था, ऐसी बातें उसमें कही जा रही हैं, और सरकार की इस मुद्दे पर आलोचना भी की जा रही है। तो समझेंगे आखिर मामला क्या है, कैग की रिपोर्ट में बातें क्या कही गई हैं, और कैग क्या है, और उपकर क्या होता है, कर क्या होता है, और जो उपकर से संबंधित जो आलोचना हो रही है उसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ पूरा समझ लें कि पूरा मामला क्या है। जो मानसून सत्र था 2020 का, जो मानसून सत्र था, उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा संसद के पटल पे एक रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें ये पता चला कि 35 विभिन्न प्रकार के सेस, जिसको लेवी भी बोल सकते हैं, हिंदी में उपकर बोल सकते हैं, उसके माध्यम से केंद्र सरकार को जो राजस्व प्राप्त हुआ वो करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का राजस्व था, यानी कि 2.75 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें से मात्र 1.64 लाख करोड़ रुपए ही राज्यों को दिया गया, यानी कि 60% राज्यों को दिया गया, और 40% यानी करीब करीब 1,11,000 करोड़ रुपए राज्य ने, यानी कि केंद्र सरकार ने अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी CFI बोल लें या भारत के संचित निधि बोल लें हिंदी में, उसमें ही रख लिया गया। तो ये एक अपारदर्शिता, एक कह सकते हैं अनैतिकता वाली बातें भी कह सकते हैं कि आखिर सरकार ने इतने सारे धन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी 40% ऑफ द रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड बाई द सेस एंड लेवी, उसको आखिर क्यों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख लिया गया, ये एक मुद्दा था। इसमें 2017 में GST एक्ट भी आया था। GST एक्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे राज्यों को जो राजस्व था वो प्राप्त होने में असुविधा हो सकती थी, तो उससे संबंधित एक कंपेंसेशन एक्ट भी लाया गया था, यानी कि राज्यों को जो GST से हानि होती उसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसका भी उल्लंघन इस कैग की रिपोर्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें करीब करीब जो 1,11,000 करोड़ रुपए राजस्व जो कि CFI में ही रख लिया गया, यानी 40% राजस्व जो CFI में रख लिया गया, उसमें से करीब करीब 95,081 करोड़ रुपए जो कंपनसेशन सेस के रूप में राज्यों को दिया जाना था, उसमें से करीब करीब 47,375 करोड़ रुपए, यानी कि 47,272 करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार ने अपने CFI में ही रख लिया। अगर 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय वर्ष के कंपनसेशन सेस के बारे में अगर हम देखें तो 2017-18 में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो 2018-19 के वित्तीय वर्ष में, यानी कि दोनों मिला करके करीब करीब 47,272 करोड़ रुपए CFI में ही रख लिया गया। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें जिससे केंद्र और राज्य के बीच में एक कह सकते हैं उठापटक की स्थिति है, केंद्र सरकार के ऊपर आलोचना की स्थिति हो रही है, यानी कि उनको बहुत सारे नेगेटिव बातों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें एक संस्था, महत्वपूर्ण संस्था है कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाया। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। कैग जो है एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर संविधान के भाग 5 में जाएंगे, जैसे संविधान में अगर भागों की संख्या देखें तो 22 है, कोई कोई लोग बताते हैं कि संविधान में 25 भाग हैं, और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 395 के आसपास अनुच्छेद बताए जाते हैं। अगर पूरा देख लें,
यानी कि अनुच्छेद में भी जो उप अनुच्छेद हैं, जैसे कि मान ले कि भाग चार है, भाग चार में अनुच्छेद 51 क है, तो अनुच्छेद 51 एक अनुच्छेद है, लेकिन अनुच्छेद 51 क एक अलग से अनुच्छेद जोड़ दिया गया संशोधन के माध्यम से। अगर संशोधन के माध्यम से भी सारे अनुच्छेदों को जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 450 के आसपास अनुच्छेद बताए जाते हैं, लेकिन वैसे एक लाइन से देखा जाए तो 395 के आसपास अनुच्छेद बताए जाते हैं। लेकिन चूंकि अनुच्छेद और भाग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किसको सही माने, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एक मोटी मोटा थोड़ा सी जानकारी इस प्रकार से हम रख सकते हैं। कैग जो भाग पांच है, भाग पांच में अनुच्छेद 51 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से कह सकते हैं 151 तक, जो संघ है, राज्य है, केंद्र है, उसके बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 152 से आगे तक, शायद 237 तक, राज्य के बारे में बात कही गई है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग दो में नागरिकता के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग तीन में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और अनुच्छेद जो भाग चार है वो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर भाग चार क है, यानी कि अनुच्छेद 51 क, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। फिर भाग पांच आ जाता है, जिसमें केंद्र के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगर हम देखें केंद्र का जो ये भाग पांच है, भाग पांच को भी पांच अध्यायों में बांटा गया है। जो पहला अध्याय है वो कार्यपालिका के बारे में, यानी कि संघ या कहें कि केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में ये सब बताया गया है, उसमें बातें बताई गई हैं। जो अध्याय दूसरा है, भाग पांच में ही अध्याय दूसरा जो है, वो अनुच्छेद 79 से 122 तक जाता है, जिसमें संसद के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम अनुच्छेद 79 देखें तो उसमें संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 अगर देखें तो उसमें राज्यसभा के बारे में, 81 लोकसभा, इस तरीके से। फिर 108 में जाएंगे तो जो संयुक्त तो बैठक होती है उसके बारे में, अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार के बारे में है, अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा बताई गई है। तो अनुच्छेद 122 तक जाएंगे तो ये संसद के बारे में बातें बताई गई हैं। अध्याय तीसरे में अगर जाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसके बारे में बताया गया है, जिसके लिए सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति चाहे तो लिखित पत्र से सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा ले सकते हैं, या कोई अगर विधि से संबंधित कोई डायलेमा है या कोई क्वेश्चन है जिसमें एक विधिक प्रश्न निहित है, तो उसके बारे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और ये सलाह राष्ट्रपति चाहे माने और चाहे न माने वो उसके ऊपर होता है, और जो राष्ट्रपति उससे सलाह मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे सलाह दे चाहे न दे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है। यानी कि इसमें किसी प्रकार का दबाव या बाध्यता नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा या सलाह देना ही पड़ेगा। तो कैग के बारे में, अगर कैग की नियुक्ति के बारे में बात करें, नियुक्ति क्या अभी अध्याय चार में देखेंगे तो ये इसके बारे में है। अध्याय पांच जब आएंगे या अध्याय चार में ही अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक जाएंगे तो अध्याय चार पूरी जो न्यायपालिका है उसके बारे में बताया गया है, संघ की न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। फिर अध्याय पांच में आएंगे जो कि अनुच्छेद 148, 149, 150, 151 चार अनुच्छेद हैं। इन चारों अनुच्छेदों में जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में ये बताया गया है कि भारत में एक CAG होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और उसके कार्यकाल भी बताए गए हैं कि 6 साल तक उनका कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल हो सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है जो कि 64 साल की उम्र में CAG बना है या 62 साल की उम्र में CAG बना है, लेकिन चूंकि कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल तक हो सकता है, तो वो 65 साल का हो जाएगा 3 ही साल में। तो ऐसा नहीं है कि वो 68 साल तक ड्यूटी करेगा, क्योंकि 6 साल उसमें लिखा गया है। चूंकि उसमें लिखा गया है जो भी पहले हो, अर्थात 65 साल पहले आ गया है, इसलिए 65 साल यानी कि 3 ही साल ड्यूटी करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। और अगर वो 60 साल की या
59 साल की उम्र में अगर वो ज्वाइन नहीं करता, उसका अपॉइंटमेंट होता, तो वो 65 साल की उम्र तक अपनी ड्यूटी कर सकता था, यानी कि 6 साल ड्यूटी कर सकता था। यानी उसकी अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए होती है, या फिर उसकी उम्र के हिसाब से 65 साल की उम्र तक हो सकती है। इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, और लेकिन इनको हटाना जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इनको जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो अन्य न्यायालय न्यायालय के न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जिस पद्धति जिस रीति के माध्यम से हटाया जाता है, उसी रीति के माध्यम से सीएजी को भी हटाया जा सकता है। यानी कि ये जो कैग है, इसकी विश्वसनीयता पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चूंकि इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, पदच्युत नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकी जो विश्वसनीयता है या इनकी लोकप्रियता जो है या इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको हम वैलिड मान सकते हैं। उनको किसी प्रकार के दबाव से मुक्त हुआ एक रिपोर्ट मान सकते हैं। अगर हम कैग की कार्यों के बारे में बात करें, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार या जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैं, उसमें भी जो यूटी विद लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया या जम्मू कश्मीर अभी बना, या दिल्ली हो गया, दिल्ली में भी लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा है। तो ऐसे यूटीज जिसमें विधानसभा है, तो उनके या संविधान के द्वारा या किसी एक्ट के माध्यम से किसी ऐसे निकाय के बारे में जिसमें कि एक्ट में कहा गया हो, वो सीएजी उनके लेखों की परीक्षा करता है, संपरीक्षा करता है, यानी कि लेखा परीक्षण करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो आय हुआ है या जो व्यय हुआ है वो सही प्रकार से या सही मद में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अनुच्छेद 151 में अगर जाकर देखेंगे, तो ये उसमें ये बताया गया है कि कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है। और अनुच्छेद 151 में ही एक बात ये कही गई है कि राज्य की अगर लेखा परीक्षण कैग कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो कि वो विधानसभा के पटल पर रखेगी। तो ये मोटी मोटा कैग के बारे में है। और कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कैग की महत्ता को उजागर किया है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर उसमें देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत जैसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। एक स्तंभ तो सुप्रीम कोर्ट है, एक स्तंभ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि निर्वाचन आयोग है, एक स्तंभ हम कह सकते हैं यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग जिसके माध्यम से IAS IPS IFS IRS इन सब का सिलेक्शन होता है, और चौथा और महत्वपूर्ण संस्था जो कैग है सीएजी, उसको भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसको बताया गया है कि उसकी जो लेखा परीक्षा है, उसकी जो नौकरशाही है, उसकी जो एक चुनाव प्रणाली सही तरीके से काम करे। तो ये 4 प्रकार के स्तंभ सुप्रीम कोर्ट, ये 4 प्रकार के स्तंभ बताए गए हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब इनके बीच में किसी प्रकार का बहस होता है या डायलेमा होता है या किसी प्रकार का संघर्ष होता है, तो ये सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी के जमाने में अगर देखें, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में यानी कि सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए, बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिए। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ, तो उसमें भी इंदिरा गांधी को बहुत धक्का लगा। तो जो सरकार के यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो सुरक्षा के रूप में काम करते हैं, अगर उनके बीच में संघर्ष हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार के बीच में, कैग या सरकार के बीच में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सरकार के बीच में, या यूपीएससी और सरकार के बीच में अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये चारों जो सुरक्षा हैं वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए होते हैं, लेकिन जब इनके बीच में ही संघर्ष होने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है, जिसका हम 1975 में 25 जून 1975 को आपातकाल के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और वर्तमान में कैग की रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार के ऊपर एक गलत छवि बनाने जैसी ही है, उसको रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें अगर हम देखें तो कैग की रिपोर्ट जो है वो मानसून सत्र में संसद के पटल पर रखी गई थी।
सत्र की अगर बात करें तो तीन प्रकार के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो कि फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने तक चलता है। फिर जून में छुट्टी रहती है एक प्रकार से। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का मानसून सत्र होता है। और फिर नवंबर के बाद दिसंबर में छुट्टी टाइप की रहती है। नवंबर दिसंबर यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक ये चलता है। फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने का शीतकालीन सत्र होता है। यानी तीन प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है। फिर मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। फिर शीतकालीन सत्र आ जाता है जिसको विंटर सेशन कह सकते हैं। वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें चलता है। नवंबर दिसंबर 2 महीने का चलता है। यानी कि 9 महीने संसद में काम चलता है और बाकी के 3 महीने छुट्टी रहती है। यानी कि हर एक सत्र के बाद 1 महीने की छुट्टी प्रकार की रहती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो दो सत्र होते हैं यानी कि मानसून सत्र या मानसून सत्र के बाद जो शीतकालीन सत्र है या शीतकालीन सत्र के बाद जो बजट सत्र है, किन्हीं भी दो सत्र के बीच में किसी भी तरीके से 6 महीने का अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी तरीके से मान लीजिए 6 महीने का अंतराल हो गया है तो वहां तक तो वैलिड है, बट इट शुड नॉट बी लंबा खींचा जाना चाहिए 6 महीने से। यानी कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो ये सत्र के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कैग की रिपोर्ट रखी गई है वो मानसून सत्र में ही रखी गई है। और रिपोर्ट के बारे में जैसा कि चर्चा कर ही चुकी कि इसमें केंद्र सरकार को करीब करीब 1.75 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें से 1,11,000 करोड़ रुपए का राजस्व कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया गया। इसमें से भी 95,081 करोड़ रुपए का राजस्व जो कि राज्य सरकारों को जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में दिया जाना था, उसमें से भी 47,272 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन सेस है उसको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख लिया गया। तो ये कुछ अनियमितताएं, कुछ अपारदर्शिता वाली चीजें हैं, कुछ जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी का अभाव वाली चीज भी इसमें देखा जा सकता है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में जो संबंध है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, संघीय व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। और ये कैग की रिपोर्ट भी कुछ कुछ इसी ओर पुष्टि करती है कि आखिर सरकार ने इतने सारे जो सेस वाले जो राजस्व थे उसको सीएफआई में क्यों रख लिया। और इसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो इतने सारे धन को यानी कि 1,11,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है जो कि सीएफआई में रख लिया गया, इसके पीछे उद्देश्य ये हो सकता है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे जो है फिजिकल डेफिसिट उसको कम करने का प्रयास कर रही हो इसके माध्यम से। क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया कि भारत की जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम रहा, यानी कि नेगेटिव रहा, शायद 23.9 यानी कि 24% नेगेटिव में था, -24% के आसपास में था। तो राजस्व कोरोना वायरस की वजह से भी केंद्र सरकार को ठीक प्रकार से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, तो इसलिए भी हो सकता है वो अपने राजकोषीय घाटे को कम दिखाने के लिए भी सेस जो है उपकर जो है उसको अपने सीएफआई में रख लिया हो। राजकोषीय घाटे की बात करें, जो राजस्व होता है, राजस्व की प्राप्ति होती है और राजस्व की व्यय होती है, दो प्रकार की चीजें होती हैं। जब केंद्र सरकार व्यय अधिक मात्रा में करने लगती है, एक्सपेंडिचर जो है वो अधिक मात्रा में करने लगती है, चाहे पूंजीगत एक्सपेंडिचर हो चाहे राजकोषीय एक्सपेंडिचर हो, जब वो अधिक मात्रा में करने लगती है और उसका जो आय का साधन है वो कम होता है, तो उनके बीच में एक संतुलन नेगेटिव होने लगता है। जब ये नेगेटिव संतुलन होने लगता है तो उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा भी राजनीति में एक आलोचना का विषय बनता है कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटे में जा रही है, तो सेस वाले धन को राजकोषीय घाटे को कम करने के रूप में दिखाया जाए, इसलिए भी हो सकता है कि कंपनसेशन सेस या अन्य प्रकार के सेस को जो कि 35 प्रकार के सेस से प्राप्त राजस्व हैं उनको सीएफआई में जो कि 40% मद है उसको रख लिया गया है, अभी बांटा नहीं गया है।
अगर हम उपकर और कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, तो कर सबसे पहले समझ ले, कर मतलब टैक्स। टैक्स जो होता है, जैसा कि पुस्तकों में जानकारी मिलती है कि टैक्स जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार के सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से वो जनता में उसका एक्सपेंडिचर कर सके। और जो हमारा कल्याणकारी राज्य है, यानी कि DPST में जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान है, उसको चरितार्थ किया जा सके। अगर हम टैक्सेशन सिस्टम को देखें, तो ये कहीं ना कहीं जो पुनर्वितरण की नीति है, पुनर्वितरण या संवितरण की जो नीति है, उसको भी परिभाषित करने के लिए या उसको भी चरितार्थ करने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो यदि किसी व्यक्ति का जो आय है वो 50,000 रुपये है, किसी व्यक्ति का आय 30,000 रुपये है, तो 30,000 एक का बैलेंस है, 50,000 एक का बैलेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का है। अब अगर इनके ऊपर टैक्सेशन लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, तो उनका जो लेवल होगा, जो लेयर होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे 30,000 रुपये वाले के लिए जो टैक्स है, हो सकता है कि उसके ऊपर 5,000 रुपये का टैक्स लगा दिया जाए। जो 50,000 रुपये कमा रहा है, उसके ऊपर 10,000 रुपये का टैक्स लगा दिया जाए। अब जो 50,000 रुपये था, उसका 10,000 टैक्स में चला गया, तो 40,000 रुपये उसका इनकम रह गया। जिसका 30,000 था, उसका 5,000 टैक्स में चला गया, तो 25,000 रुपये इनकम रह गया। अब 40 और 25 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो 15,000 का रह गया। यानी कि पहले जो डिफरेंस टैक्स ना दिए जाने पर, जो डिफरेंस 20,000 रुपये का अंतराल था दोनों के बीच में, वो अब टैक्स विभिन्न लेयर में दिए जाने की वजह से अंतराल 15,000 रुपये का रह गया। यानी कि एक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसको भी इसमें दिखाई पड़ता है कि धन का संकेंद्रण किसी एक लोगों के पास ही ना हो। जैसे कि अनुच्छेद 39 में, 39 में क्लॉज बी और सी में अगर देखें, तो उसमें भी धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक संस्थान के पास ही ना रहे, उसके बारे में बताया गया है। तो टैक्सेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था को सही रूप में लाने के लिए भी किया जाता है। अगर उपकर की बात करें, तो उपकर को सेस कहते हैं, उपकर को इंग्लिश में लेवी भी कहते हैं। उपकर जो होता है वो कर के ऊपर, यानी जो टैक्स है, किसी कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, उस टैक्स के ऊपर कुछ अतिरिक्त टैक्स, यानी कुछ अलग प्रकार का टैक्स लगाने की या कुछ ज्यादा टैक्स लगाने की जो परंपरा है या जो विधि है, उसको उपकर कह सकते हैं। यानी कि टैक्स के ऊपर एक अतिरिक्त कर को हम उपकर कह सकते हैं। इसको उपकर तभी कहेंगे जब ये अतिरिक्त टैक्स किसी विशेष प्रकार के मद के लिए लगाया जा रहा हो। यानी कि जैसे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, या एजुकेशन के लिए, या किसी अन्य मद के लिए, साफ सफाई के लिए लगाया जा रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर अतिरिक्त टैक्स, तो उसको हम उपकर कह सकते हैं। और जो उपकर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के टैक्स पर लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि 2017 में GST एक्ट आ गया, तो राज्य सरकार अप्रत्यक्ष कर पे तो टैक्स लगा ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारे GST में ही आ जाते हैं। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ही है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, वो किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स या किसी अन्य प्रकार के टैक्स या शुल्क पर अतिरिक्त कर लगा करके जो उपकर है वो प्राप्त कर सकती है। और आर्टिकल 270 में अगर देखें, अनुच्छेद 270 में देखें, तो उसमें बताया गया है, जो कि 80वें संविधान संशोधन के तहत ये बात लाई गई थी, कि जो केंद्र सरकार है वो चाहे तो उसको जितना सेस प्राप्त हुआ है वो अपने राज्यों के साथ बांट सकती है, अगर वो ना चाहे तो ना भी बांटे, उसके ऊपर किसी प्रकार की दबाव नहीं है। लेकिन जो टैक्स केंद्रीय करों के माध्यम से जो केंद्र सरकार को टैक्स प्राप्त होती है, उसके लिए उनके ऊपर दबाव रहता है कि उनको राज्यों के साथ पुनर्वितरण करना ही पड़ता है। जैसे आर्टिकल 280, 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है, जो कि हर 5 साल में उसका गठन होता है। तो वित्त आयोग जो होता है वो यही बताता है कि केंद्र सरकार के पास जितने भी राजस्व का कलेक्शन हुआ है, वो कलेक्शन राज्य सरकारों के साथ कितने प्रतिशत के रूप में बांटा जाएगा, यानी उनके बीच में क्या अनुपात होगा। तो 14वें वित्त आयोग में जो
जो 14वां वित्त आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य के बीच में, यानी राज्यों को 42% का जो राजस्व है वो केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्व प्राप्त हुआ है 42% राज्यों को बांटा जाना चाहिए। लेकिन जो 15वां वित्त आयोग था वो बता दिया कि 42% की जगह पे 41% 41% जो राजस्व है वो राज्यों को बांट दिया जाए। जो 1% राजस्व को कम किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जो कि 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से बनाया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से वो दो यूटीज के रूप में बढ़ गए। तो 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की कि 41% राज्यों को बांटा जाए, वो 1% जो कि 14वें वित्त आयोग ने बताया था कि 42% बांटा जाए, 15वें वित्त आयोग ने बताया कि 41% बांटा जाए। तो जो 1% का जो उन्होंने कम किया वो इसलिए कम किया कि वो जो दोनों यूटीज नए नए बने हैं उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में सही प्रकार से काम कर सकें। तो अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, वो ये बताता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्व प्राप्त हो रहे हैं उनको राज्यों के बीच में कितने अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से कर और उपकर के बारे में था। और उपकर जैसे कि पहले बताया कि ये राज्यों के साथ केंद्र सरकार बांटे या ना बांटे उसके ऊपर है। अगर हम थोड़े से उपकर के इतिहास के बारे में देखें तो 1944 में, यानी कि आज़ादी के पहले से 1944 से अभी तक, यानी कि 2018 तक मान लें, क्योंकि 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 1944 से 2018 तक अगर हम सेस की बात करें तो विभिन्न मदों में सरकार द्वारा करीब करीब 42 सेस लगाए गए हैं। 2017 में जब जीएसटी एक्ट आया तो उस समय तक, यानी कि 2018 तक माने तो 8 उपकर प्रभावित हैं, और जीएसटी एक्ट जब आ गया था तो 17 उपकर जीएसटी एक्ट में ही समाहित कर लिया गया था। 2018 में 8 उपकर थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो इन उपकरों की संख्या 35 है, 35 है। तो ये बहुत ज़्यादा भी है। जो एक व्यक्ति हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सलाह दिया था कि इतने ज़्यादा उपकर अगर लगाया जाएगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इसके गलत दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी थी। तो अगर इसके इतिहास के बारे में जैसे बात कर रहे थे तो 1944 से 2018 तक करीब करीब 42 प्रकार के सेस जो है उपकर वो लगाए गए हैं। और जो शुरुआत में जो उपकर लगाए जाते थे, यानी कि आज़ादी के बाद देखें, जैसे 1953 में एक उपकर लगाया गया जो कि चाय और नमक के ऊपर उपकर था, सेस ऑन टी एंड सॉल्ट। तो वो जो उपकर था वो एक विशेष प्रकार के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन 1961 में और 1973 में, जैसे 1961 में एक सेस आया था जिसको हम कह सकते हैं कि लौह अयस्क खदान श्रम कल्याण उपकर, जो कि 1961 में आया था। 1972 में इंदिरा गांधी के ज़माने में एक उपकर आया था जिसको हम कह सकते हैं डोलोमाइट अयस्क खदान श्रम कल्याण उपकर। ये जो दोनों उपकर थे वो कल्याण से संबंधित थे, यानी कि श्रमिक वर्ग जो हैं उनके कल्याण से संबंधित थे। यानी कि पहले आज़ादी के बाद जो पहला दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें विशेष प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपकर लगाए जाते थे। लेकिन उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी इन सब पंचवर्षीय योजनाओं में जो उपकर लगाए गए वो श्रम के कल्याण के लिए, श्रमिक वर्ग जो है उनके कल्याण के लिए उपकर लगाए गए। वर्तमान में 35 प्रकार के उपकर हैं, जो कि एक ज़्यादा खराब बातें हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट के ऊपर, इतने सारे सर्विसेज के ऊपर, इतने सारे उपकर यानी कि टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाए जाए। ये ठीक है यदि कोई अमीर वर्ग है उससे टैक्सेशन का कलेक्शन अगर अधिक मात्रा में किया जा रहा है, फिर उसका पुनर्वितरण या संवितरण डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से किया जा रहा है तो ये सही है। लेकिन जब उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया जा रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, तो जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे 2010 से 2020 के बीच में देखें तो करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जो कि कच्चे तेल के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ, उपकर के माध्यम से, कच्चे तेल पर उपकर लगा करके 2010 से 2020 के बीच में 1.25 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। वो जो कच्चा तेल उद्योग विकास बोर्ड है
उसको दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया। जो उपकर होता है वो किसी उद्देश्य के लिए, पर्टिकुलर टारगेट के लिए लगाया जाता है, कि स्वास्थ्य के लिए हो गया, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उस पर लगाया जाता है कि जो भी हमें टैक्सेशन या उपकर के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त होगी वो उसी मद में ही खर्चा किया जाएगा। लेकिन जैसे कच्चे तेल पर जो उपकर लगाया गया, तो उसके माध्यम से जो कच्चा तेल उद्योग विकास बोर्ड है उसको सेस दिया जाना था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था, लेकिन 1,25,00,000 रुपए का सेस डिस्ट्रीब्यूशन उसको नहीं किया जा सका पिछले 10 सालों से। इसके अलावा जो हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च किया जाना था, हेल्थ पर करीब करीब 4% का खर्चा नहीं किया गया है। एजुकेशन पर भी ऐसे ठीक प्रकार से खर्चा नहीं किया गया है जो कि सेस वाला खर्चा किया जाना था। इसके अलावा कुछ जैसे डीजल और पेट्रोल पर देखें, तो उसमें से जो सेस की प्राप्ति थी सरकार को, उसमें से भी करीब 38,000 करोड़ रुपए CFI में ही रख लिया गया। तो जो इसके उद्देश्य हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया जाएगा, ताकि राजकोषीय घाटा को कम दिखाया जाए। अगर हम इसके उपायों के बारे में चर्चा करें कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो पहले तो ये हो सकता उपाय के रूप में हो सकता है कि एक सीमा निर्धारण हो, यानी कि सेस कितने ज़्यादा होंगे। जैसे कि पहले 1944 से 2018 के बीच में 42 उपकर लगाए गए अलग अलग समयों में। 2018 में 8 उपकर थे, 2017 में 17 उपकर उसी में ही डाल दिए गए, लेकिन 2018 19 में या 20 में देखें तो 35 प्रकार के उपकर काम कर रहे हैं। तो 35 35 उपकर हैं, तो इसका सीमा निर्धारण हो कि कितने उपकर होंगे, और एक समयावधि का भी निर्धारण हो कि कितने सालों तक इसका कलेक्शन किया जाएगा, उपकर के माध्यम से कलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि GST कंपनसेशन सेस जो है, यानी कि GST क्षतिपूर्ति उपकर, उसका 2017 से 2022 तक का 5 साल का समयावधि है कि अगर GST के माध्यम से राज्यों को कोई हानि होती है तो GST क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तहत कंपनसेशन सेस से जो भी सेस प्राप्त होगा उसको उनके बीच में बांट दिया जाएगा। लेकिन 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो कि कंपनसेशन सेस के रूप में दिया जाना था उसको CFI में रख लिया गया, जबकि पूरा पूरा देखें तो 95,081 करोड़ रुपए कंपनसेशन सेस के रूप में इकट्ठा हुआ था, जिसमें से कुछ दे दिया गया लेकिन 47,000 करोड़ रुपए नहीं दिया गया। तो इसका पुनर्वितरण जो है, संवितरण जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जिस मद के लिए उपकर इकट्ठा किया जा रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए, एक ये उपाय हो सकता है। और इसके लिए वित्त आयोग या कैग जो है वो एक दबाव समूह के रूप में काम कर सकती है, या अन्य विपक्षी पार्टियां भी दबाव समूह के रूप में काम कर सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थीं जिसके माध्यम से जो कैग की रिपोर्ट है, या जो उपकर है, उपकर के माध्यम से जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं, राजस्व नीति जो है वो खराब हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करना था। और अगर इसको IAS के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो ये GS पेपर 3 के जो आर्थिक विकास खंड है, जो ये जो वित्तीय बातें हैं या राजकोषीय नीति है उससे संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर GS पेपर 2 में देखें तो कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसकी क्या शक्तियां होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 2018 में भी कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये IAS के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से GS 3 और GS 2 दोनों में ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही, इसमें आपकी सलाह जो हो उसको दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगे। धन्यवाद। नमस्कार।